हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिन सेट। कैसे आप लोग? मेरा नाम है आकाश। आज की तारीख है 29 अगस्त 2023। शुरू करते आज का डेली करंट अफेयर। पहला सवाल है, देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1250 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं, किस स्कीम के लिए, किस योजना के लिए 1250 करोड़ अलॉट किए हैं? देखो, इसका सही जवाब है अटल रेजिडेंशियल स्कूल। अटल रेजिडेंशियल स्कूल क्या है? ये फ्री स्कूलिंग देता है 6 से 12 साल के बच्चों को। ये है केंद्रीय विद्यालय, ये है नवोदय विद्यालय और ये है एकलव्य रिमोट स्कूल मॉडल। एकलव्य रिमोट स्कूल, ये ट्राइबल एरिया के बच्चों के लिए ये स्कीम लेके आई भारत सरकार ने। आगे एनवीएस रूरल टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए एनवीएस की स्थापना की गई थी। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, इसमें फर्क क्या है? केंद्रीय विद्यालय इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह पे है। अब्रॉड में 3 शाखा है, इंडिया में वैसे चल रहा है। एनवीएस क्या है? ये ओनली वर्क इन इंडिया, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, ये क्या कह रहा है? रिसेंटली कौन सी बड़ी एक्ट्रेस गुजर गई है, कौन सी बड़ी एक्ट्रेस गुजर गई है? ये एक्ट्रेस मराठी इंडस्ट्री में काम करती थी। इसका सही जवाब क्या है? सीमा देव। इनके पति थे रमेश देव, वो भी मराठी के लेजेंड। लेजेंड एक्टर थे, ये भी गुजर गए। सुलोचना चौहान इज अ सिंगर, ये भी गुजर गई। सुलोचना लाटकर ये एक्ट्रेस थी, मराठी और हिंदी फिल्म में काम किया था। रविंद्र महाजन मराठी एक्टर, ये भी रिसेंटली गुजर गए। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, रिसेंटली नया मून मिशन है, ठीक है, वो जापान के साथ करने वाला है इसरो, तो इसका नाम क्या है? देखो, इसका नाम है लुपेक्स, ठीक है, लूनार ऑब्जर्वेटरी। निसार क्या है? ये नासा प्लस इसरो, ठीक है। इनका एक मिशन है गगनयान मिशन, इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन फ्लाइट मिशन है ये। 2025 में ये लॉन्च हो जाएगा चंद्रयान 1, और इसके लिए भारत की हेल्प कर रहा है कौन सा देश? रशिया। एस्ट्रोनॉट को ट्रेन करने के लिए भी, और उन एस्ट्रोनॉट को बोला जाता है वयोमित्रा, ठीक है। ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। चंद्रयान 1 की बात करूं तो चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। इसमें इंडिया और यूएसए दोनों ने मिलके चांद पे पानी है इसकी खोज की थी। देखो अगला सवाल है, रिसेंटली मोदी जी ने अनाउंस किया है स्पेस डे मनाने की, तो स्पेस डे ये कब मनाएगा भारत? तो देखो, इसका सही जवाब है 23 अगस्त 2023। ये डेट कभी भी भूलना मत, एग्जाम में आपको आएंगी ये डेट जरूर आएगी। और 14 जुलाई 2023 ये लॉन्च डेट है, और ये 29 अगस्त को क्या है? नेशनल स्पोर्ट्स डे। 11 मई को क्या होता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे।
16 मार्च को क्या होता है कमेंट कर लेना, कमेंट योर आंसर, ठीक है। आगे चले, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, रिसेंटली जो अपना लैंडर विक्रम लैंडर चांद पे लैंड हुआ था तो उसके लिए मोदी जी ने क्या नाम दिया है, ठीक है। इसके लिए मोदी जी ने नाम दिया है मतलब उस जगह का नामकरण किया है, नाम दिया है, इसका नाम दिया है शिव शक्ति। जब चंद्रयान 2 क्रैश कर गया था चांद पे तो उस जगह को नाम दिया तिरंगा। ठीक है, ये चंद्रयान 3 लैंडिंग पॉइंट विक्रम, इट इज अ लैंडर, प्रज्ञान ये क्या है रोवर है ये, समझे। मतलब ये जो गाड़ी होती है ना, गाड़ी निकलती है उसको बोलते हैं विक्रम, और जो चांद पे जो सॉफ्ट लैंडिंग किया प्रज्ञान ने किया। अगला सवाल देखो, एक बुक है पिच साइड माय लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। इसका सही जवाब है अमृत माथुर, ठीक है। अमृत माथुर जी ने किताब लिखी है पिच साइड माय क्रिकेट माय लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, ठीक है। आप मुझे कमेंट कर लेना सचिन तेंदुलकर की किताब कौन सी है इनके द्वारा लिखी गई। सुरेश रैना की किताब मैं आपको बताता हूं, वो है बिलीव। सौरव गांगुली की किताब क्या है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। युवराज सिंह की कौन सी किताब है, टेस्ट ऑफ माय लाइफ, इनको कैंसर हुआ था उससे जूझ रहे थे। रवि शास्त्री की किताब कौन सी है जिन्हें लिखी थी, कमेंट कर लेना। विवेश लक्ष्मण ने कौन सी किताब लिखी थी, 281 एंड बियॉन्ड। देखो अगला सवाल है, रिसेंटली कौन से प्रोफेशनल प्लेयर को एज अ फीमेल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इंफोसिस का। मैंने कल एक दो दिन पहले आपको बताया था, राफेल नडाल ही इज अ इंफोसिस ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने ईगा स्वीतक इनको भी बनाया है इंफोसिस का ब्रांड एम्बेसडर, दोनों को मिलके एक साथ बनाया है, ठीक है। कैटेगरी तो नहीं है लेकिन सवाल अलग है, इसमें ईगा स्वीतक को भी बनाया है और राफेल नडाल को भी बनाया है। नोवाक जोकोविच ये कौन है, नोवाक जोकोविच इज अ सर्बियन प्लेयर, मोस्ट ग्रैंड स्लैम। अब तक के टेनिस के इतिहास में इतने ग्रैंड स्लैम किसी के पास नहीं जितने इसके पास है, सेरेना विलियम, मोस्ट ग्रैंड स्लैम इन फीमेल टेनिस के इतिहास में, ठीक है। इनके भी पास है 23। देखो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं ग्रैंड स्लैम का जो 2023 में हुए थे। पहले फीमेल कैटेगरी में कौन थी ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में, अरियाना सबालेंका, पुरुषों की कैटेगरी में नोवाक जोकोविच। उसके बाद आया फ्रेंच ओपन किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने पुरुषों की कैटेगरी में। फीमेल की कैटेगरी में किसने जीता, ईगा स्वीटक ने। उसके बाद आया ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन में फाइनल में थे नोवाक जोकोविच और उनके अपोजिशन में थे कार्लोस अल्कोराज, और ये किताब जीता विंबलडन 2023 का कार्लोस अल्कोराज ने जीता। और फीमेल की कैटेगरी में किसने जीता, मार्केता वंदरस ने। अभी आगे यूएस ओपन 2023 होने वाला है, ठीक है, इस पे जरा नजर रखना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, रिसेंटली कौन सी सिटी का रैंक पहला आया है, ठीक है, एज अ फर्स्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड में पहला रैंक किसको आया है, इंदौर का। इंदौर ये सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, ठीक है, डिजिटल एड्रेस सिटी है।
भुवनेश्वर इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट सिटी है। पुणे की बात करूं तो ये महाराष्ट्र की स्मार्ट सिटी है। सियोल, सियोल क्या है, ये कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया, वर्ल्ड फर्स्ट फर्स्ट स्मार्ट सिटी। तो यहाँ पे हमारा सेशन समाप्त होता है। डेली करंट अफेयर के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली करंट अफेयर वीडियो के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। आपका दिन शुभ रहे।